गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया। आज हम दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे और चूंकि हम प्रीवियस वीडियो में जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, जॉइंट वेंचर की जनरल एंट्रीज देख चुके हैं, तो आज हम उसके सिर्फ अकाउंट देखेंगे कि उसका प्रैक्टिकली यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हम इसमें केवल तीन ही अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से? जॉइंट वेंचर अकाउंट, राइट। सेकेंड इज़ योर कोवेंचर अकाउंट। ठीक है, जो लोग मिलकर के जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में लिया था एग्जांपल ए और बी, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? कोवेंचरर्स। तो इनके अकाउंट बनेंगे। ठीक है, और थर्ड बनेगा हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को मैंने आपको क्या कहा था, कैसे बनाना है? राइट, पीएनएल की तरह, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बन रहा है उस तरह से बनाना है। कोवेंचरर अकाउंट को कैसे बनाना है? जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते आ रहे हैं। और बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट को कैसे बनाना है? जैसे हम नॉर्मल बैंक अकाउंट बनाते थे। क्लियर है। अब मैंने जब आपको जनरल एंट्रीज बताई थी, तब ये भी बताया था कि जब एक कोवेंचरर अकाउंट को मेंटेन करता है, तब एंट्रीज क्या होती है। तो ये जो मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है आपका, ये उसी केस में लिया है। अब मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल समराइज कर दिया है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, रीड कर दे रही हूँ, ताकि आपको उसका सोल्यूशन क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है, ए और बी क्या है? कोवेंचरर्स हैं, जो जॉइंट वेंचर के लिए एक साथ आए हैं। ए ने कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है, और बी ने कितना फंड लेकर आया है? 60,000 फॉर जॉइंट वेंचर। क्लियर। जॉइंट वेंचर के लिए बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बच्चों? 60,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो हम इसको क्या ले लेंगे? बाय डिफॉल्ट इक्वली। ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कॉन्सेप्ट में। क्लियर। तो ए और बी क्या है? कोवेंचरर्स। बी कितना ला रहा है? 60। अब फंड तो इकट्ठा हो गया, अब फंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये आपको नीचे बताया मैंने। क्या बता रही हूँ? देखिए, ए जो है वो क्या कर रहा है? बुक्स को मेंटेन कर रहा है। ए ही क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है किशोरी लाल से। मतलब कैसा परचेज है बेटा? क्रेडिट परचेज है। जब भी नाम आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि परचेज किस नेचर का हो रहा है, क्रेडिट। कितना सामान खरीदा जा रहा है किशोरी लाल से? 70,000 का। और बाद में हमने इसको पे भी कर दिया है, क्वेश्चन में ही मेंशन है। ठीक है, और ए ने क्या किया है? ए कॉन्ट्रीब्यूट स्टॉक फ्रॉम हिज ओन स्टॉक। तो ए ने अपने स्टॉक में से कॉन्ट्रीब्यूट किया है कुछ स्टॉक। क्लियर है। और एक्सपेंसेस पे हुए 1500, और कमीशन 4% ऑन सेल्स भी गया है, और टोटल सेल्स कितना है? 1,24,000। देखिए, अब हम इन द जनरल एंट्रीज हम किसकी बुक्स में करेंगे? ए की बुक्स में, क्योंकि कौन मेंटेन कर रहा है बुक्स को? ए। ठीक है, तो यदि हम जनरल एंट्रीज करते तो क्या लिखते ऊपर? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। क्लियर है। ठीक है, अब लेकिन मैं आपको जनरल एंट्रीज बता चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट किस पे आ रही हूँ बेटा? अकाउंट पे। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हमने क्या बनाया हुआ है बेटा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, इसको किसकी तरह बनाना है हमको? ट्रेडिंग और पीएनएल की तरह। अब आप सब लोग रिकॉल करें कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल में सेल्स कहाँ लिखते थे? क्रेडिट में। परचेज कहाँ लिखते थे? डेबिट में। ऑल एक्सपेंसेस शुड बी इन द डेबिट साइड, राइट। तो अब यहाँ देखिए, हमने क्या किया था? परचेज किया है 20,000 का। ये मैं आपको सॉरी ऊपर बताना भूल गई हूँ कि 70,000 का क्रेडिट परचेज था और 20,000 का कैश परचेज था। ठीक है, तो नहीं, 20,000 का जो परचेज है, सॉरी बच्चों, 20,000 का परचेज जो है वो ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पर परचेज अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, और किशोरी लाल जिससे हमने क्रेडिट परचेज किया है उसका अमाउंट कितना है? 70,000। ठीक है, और हमने कितने एक्सपेंसेस दिए थे बच्चों? हमने एक्सपेंसेस दिए थे 1500। यहाँ मैं लिख देती हूँ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम ए कितना है बेटा? 20,000 का, ताकि आपको बाद में कभी कन्फ्यूजन ना। ठीक है, हमने आपको कल बताया था कि यदि हमारा जो बुक्स मेंटेन कर रहा है, यदि वही कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्टॉक में, तो हम लिखते हैं टू परचेज, राइट। तो ए बुक्स मेंटेन कर रहा है, ए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने स्टॉक में से, स्टॉक किसके लिए? जॉइंट वेंचर के लिए, तो लिखा है टू परचेज 20। किशोरी लाल से क्रेडिट परचेज किया है, इसलिए लिखा है 70,000। ठीक है, फिर हमने कुछ एक्सपेंसेस पे करे बच्चों 1500 के, तो हमने 1500 का बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस लिखा है 1500। फिर हमने इसको कमीशन, हमने 4% का कमीशन का भी रखा है, तो हमारा सेल्स क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 1,24,000।
124,000 का 4% का कमीशन था, ठीक है। तो 124,000 का 4% कमीशन जनरेट हुआ 4980, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, सेल्स और स्टॉक। तो स्टॉक से रिलेटेड कोई बात कही नहीं गई है। यदि बोला होता कि स्टॉक इतना बचा तो हम उसकी भी एंट्री करते हैं, मैं आपको कल जनरल एंट्रीज वाले प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, तो सेल्स के केस में हमने लिखा है बाय बैंक अकाउंट 124,500 का, क्लियर। तो 124,500 में से हमारा जो ए है उसके कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक, हमारा उधार खरीदी, ठीक है, हमारा 1500 का एक्सपेंस, हमारा 4980 का कमीशन, ये सब जब हम माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट जनरेट हुआ 28020। दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग द कोवेंचरर्स इन विच रेशियो इन इक्वली, ठीक है। तो हमने इसको आधा 14010 एंड हाफ पोर्शन 14010 हमने लिख दिया। लेकिन हमने आपको कल क्या बताया था, यदि कोवेंचरर में से ही एक यदि बुक्स को मेंटेन कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो कोवेंचरर में से एक जो बुक्स को मेंटेन कर रहा है उसके आगे हम एज अकाउंट नहीं लिखा है, देखिए उसके आगे क्या लिखा है, पीएनएल अकाउंट, यही ध्यान रखना है। लेकिन जो दूसरा कोवेंचरर है उसके आगे हमने लिखा है बीज अकाउंट, मतलब बी को इतना मिला और जो कि वो बुक्स मेंटेन कर रहा था तो उसके आगे हमने लिखा है पीएनएल अकाउंट 14010। ओके, ये हमने डिवाइड कर दिया प्रॉफिट को अमंग द कोवेंचरर्स, हमारा टोटल प्रॉफिट इतना हुआ था और प्रॉफिट हुआ था इसलिए वो इस साइड आ रहा है, लॉस हुआ होता तो वो ऑपोजिट साइड आता है, इधर सेल्स के नीचे। अब ये बिल्कुल ट्रेडिंग एंड पीएनएल की तरह था कि नहीं था, देखिए सेल्स यहाँ है, हमारा कैश परचेज या हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम द ए है वो यहाँ है, क्रेडिट परचेज यहाँ है, सारे एक्सपेंसेस यहाँ है, कमीशन ऑल्सो इज अ एक्सपेंस, ये भी यहाँ है और ये रहा हमारा प्रॉफिट, क्लियर है। अब हम इसका क्वेश्चन में बोला गया था हमको कि को वेंचर अकाउंट बनाइए और क्या बनाइए, जॉइंट स्टॉक अकाउंट बनाइए। अब हमने बनाया को वेंचर बीज अकाउंट, ओके। तो हमारा फॉर्मेट आप सबको बहुत अच्छे से पता है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो एंड अमाउंट डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो। अब देखिए इसको हम कैसे बनाना है, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट की तरह ट्रीट करना है, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट की तरह। तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते थे, बाय बैलेंस लिखते थे ना बच्चों, अभी हम बाय बैलेंस ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि जब इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो क्या हुआ, पैसा आया, पैसा आया। तो यदि कोई और अकाउंट मेंटेन कर रहा होता कोवेंचरर के अलावा तो हम यहाँ पर लिखते ज्वाइंट बैंक अकाउंट, लेकिन ये कोवेंचर में से एक ही बुक्स को मेंटेन करता है, उस समय हमने क्या लिखा है हर सारी एंट्रीज में बैंक अकाउंट। तो पैसा आया 60,000 कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या फंड कॉन्ट्रीब्यूशन वी कैन से इन अ सिंपल वे, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय को बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर अकाउंट से प्रॉफिट का शेयर आया इसके पास में, ठीक। अब इन दोनों का जो टोटल है वही कहाँ आ गया आपका, यहाँ आ गया, कहाँ, डेबिट साइड में 74010। और ये क्या करेगा, क्या लिखा है इसके सामने मैंने, टू बैंक अकाउंट, ये इतना पैसा निकाल के ले जाएगा, यही प्रॉफिट कमाने के लिए तो उसने को वेंचर मतलब जॉइंट वेंचर किया था उसने, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। तीन अकाउंट बनाए, जनरल एंट्रीज कल अपन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इसमें हमने उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लिया। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा था और बनाना भी बहुत ईजी था, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसी में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए हमारे पास जो कोवेंचरर हैं वो तीन हैं, कौन कौन से तीन कोवेंचरर्स हैं, ये हमारा सेकंड प्रैक्टिकल है बेटा, वो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। फर्स्ट है ए बी सी, ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया 60, बी ने किया 80, सी ने किया 80, ऐसे टोटल कितना फंड जनरेट हुआ 220,000 फॉर जॉइंट वेंचर, ठीक। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में वो बोल रहा है आपको कि फ्रॉम डी, डी से आपने क्या किया है, डी से आपने क्रेडिट परचेज किया 250,000 का, क्लियर। उसके अलावा आपने एक्सपेंसेस पे करें 30,000 के, ठीक। और सेल्स के केस में उसने आपको दो टाइप का सेल्स दिखाया है, कैश सेल बोल रहा है क्वेश्चन में 130,000 है और क्रेडिट सेल्स टू अशोक, यहाँ पे नाम लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बाद में इसे पैसा लेना भी तो है। तो क्रेडिट सेल किया आपने किसको, अशोक को 280,000 का,
ठीक है, और आप इससे पेमेंट कैसे ले रहे हो, पेमेंट रिसीव कर रहे हो रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल में, जिसमें डिस्काउंटेड भी है 6000, क्लियर। और एक और इन्फॉर्मेशन दी है आपको क्या, कि ए क्या कर रहा है, ए रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल्स, तो ए को एक एक्स्ट्रा इनकम भी है, वो भी हमें निकालनी पड़ेगी कि सेल्स पे उसको 5% मिलता है, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं फटाफट आपको, तीन को वेंचरर्स हैं ए बी सी, इन्होंने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया, अमाउंट दिया हुआ है, हमने डी से क्रेडिट परचेज किया है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना था, प्रोडक्ट या कोई कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए हमने क्रेडिट परचेज किया है डी से कितना, 2,50,000 का, क्लियर। उसके बाद हमने कुछ एक्सपेंसेस पे करें 30,000 के, फिर हमारा जो सेल्स हुआ है वो दोनों मोड में हुआ है, कैश में भी और क्रेडिट में भी, क्रेडिट में किसको हुआ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसका पेमेंट कैसे किया ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और एक लास्ट में उसने कहा है कि 5% का कमीशन ऑन सेल्स भी गिवन है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका सोल्यूशन, ओके। देखिए ये हमने सबसे पहले क्या बनाया, कोवेंचरर अकाउंट, क्लियर है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोवेंचरर अकाउंट इज नथिंग एल्स जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग एंड पीएनएल, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना परचेज डेबिट साइड में। तो परचेज हमने किससे किया था बच्चों, डी से किया था, याद है ना क्वेश्चन, परचेज हमने किससे किया है बच्चों, डी से किया है हमने परचेज, ठीक है। तो टू डीज अकाउंट कितना आ गया हमारा, 2,50,000, क्लियर। क्वेश्चन में दिखा दूं आपको, ये देखिए फ्रॉम डी क्रेडिट परचेज 2,50,000, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, टू डीज अकाउंट 2,50,000, क्योंकि है तो परचेज, और कैसा परचेज लिखा है देखिए मैंने, क्रेडिट परचेज है, इसलिए डी का नाम आ गया, क्लियर। फिर जॉइंट बैंक अकाउंट आ रहा है, इस बार जॉइंट बैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई भी कोवेंचरर में से कोई भी बुक्स को मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए जॉइंट बैंक में सबने अपना कंट्रीब्यूशन डाला और अब उसी बैंक से हम अपना पेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस का पेमेंट था, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है पेड एक्सपेंसेस 30,000, क्लियर। तो हमने यहाँ पर परचेज के बाद में एक्सपेंस की एंट्री कर दी, तो एक्सपेंस चूंकि कैश हुआ था इसलिए बैंक से निकला, कैसे बैंक से, जहाँ जॉइंट बैंक था तीनों का, ठीक है, वहीं से पैसा निकला 30,000 का। उसके बाद में क्वेश्चन में हमको उसने बोला है कि पेमेंट तो करी है उसने क्रेडिट सेल, अशोक ने, जो अशोक हमने क्रेडिट सेल किया था ना 2,80,000 का, उसमें से हमें रिसीव हुआ है तो 6,000 का बिल्स डिस्काउंटेड है, बिल्स डिस्काउंटेड ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। और इसकी जनरल एंट्री भी बताई थी, लास्ट एंट्री क्या थी बेटा, जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट, अब आप खुद बताइए जब पोस्टिंग हुई होगी तो टू डिस्काउंट 6,000 यही आएगा, क्लियर। अब देखिए हमने क्या कहा है आपको, कि हमने लास्ट में क्वेश्चन में आपको कहा था कि रिसीव्ड ए 5% कमीशन ऑन सेल्स, राइट। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो सेल्स है वो दो मोड में हुआ था, कैश और क्रेडिट, याद है आपको। तो एज अकाउंट में हमने लिखा है रिसीव्ड कमीशन, और पूरा कैलकुलेशन बताया है मैंने आपको कि 1,30,000 का जो कैश सेल था उसका 5% कितना जनरेट हुआ, 6,500, और क्रेडिट परचेज 2,80,000 का 5% कितना कमीशन जनरेट हुआ, 14,000, ऐसे करके टोटल कमीशन इज जनरेटेड 20,500। और ये जो सेल्स है ये हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में भी दिखाएंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में सेल्स दिखाते थे, दोनों मोड का सेल्स दिखाएंगे, कैश सेल्स 1,30,000, क्रेडिट सेल में हमारा अशोक का नाम आ गया 2,80,000, क्लियर है सबको ये। अब हमने ये सेल्स का क्रेडिट का टोटल लगाया तो वो टोटल आ रहा है हमारा 4,10,000, इसमें से हमने 2,50,000, 30,000, 20,500 का कमीशन इन सबको सब्सट्रैक्ट किया तो बैलेंसिंग अमाउंट इज नोन एज 1,03,500 एंड दिस बैलेंसिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन ए बी सी इन देयर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर देखिए हमने पीएनएल नहीं लिखा है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, क्योंकि ए बुक्स को मेंटेन कर रहा था इसलिए ए के सामने हमने ए ना लिखकर पीएनएल लिखा था और बी लिखा था। यहाँ पर हमने ए बी सी तीनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और ऐसे करके हमारा प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, 1,03,500, क्लियर है। अब हमारा सेकेंड अकाउंट बन रहा है बेटा कोवेंचरर्स अकाउंट, हम चाहे तो इसको तीन अलग अलग भी बना सकते थे ए बी सी, हमने इसको कंपाइल करके एक ही बनाया, क्लियर है।
अब हम देखते हैं कि इसको देखना कैसे है। तो हमारा जैसे कैपिटल अकाउंट बनता था वैसे ये भी बनेगा, राइट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, क्रेडिट साइड में बैलेंस अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि इन तीनों ने ये कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ जमा किया, जॉइंट बैंक में, ठीक है। तो ए ने किया था 60, यदि आपको याद हो एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देती हूँ। ए ने किया था 60, बी ने किया था 80, सी ने किया था 80, क्लियर। अब यहाँ देखिए, ए के कॉलम में 60, बी के कॉलम में 80, सी के कॉलम में 80 इन फ्रंट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि इन तीनों ने पैसा कहाँ दिया, जॉइंट बैंक अकाउंट में। प्रीवियस वीडियो में एंट्रीज प्लीज एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिसीव हुआ, कौन से अकाउंट से प्रॉफिट निकला था, जॉइंट वेंचर अकाउंट से। तो तीनों का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो गया, इनके कैपिटल में, सॉरी इनके को वेंचरर अकाउंट में, ठीक है। यहाँ कैपिटल वर्ड नहीं बोलना है, ट्रीटमेंट कैपिटल की तरह, ठीक है। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट आ गया तीनों का। अब ए को एक एक्स्ट्रा चीज मिली थी, क्या मिली थी, ए को मिला था बच्चों याद करिए को वेंचरर में 20,500 का कमीशन, जो कि किस पे जनरेट हो रहा था, 5% पे, क्लियर। तो यहाँ पर वो 5% का अमाउंट 20,500 एक्स्ट्रा दिख रहा है हमको, किस केस में, ए केस में, ठीक। अब हमने इनका सबका टोटल लगाया, कितना आ रहा है, 1,15,000 और 1,14,500। और हमारे डेबिट साइड में और कोई एंट्री तो है नहीं, तो ये लोग अपना अपना क्या करेंगे, ये अपना अपना हिस्सा क्या करेंगे, फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। तो कैसे होगा बेटा, उसी जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू हम इनको फाइनल सेटलमेंट का पे ऑफ कर देंगे। ए को कितना करेंगे, 1,15,000, इसको करेंगे 1,14,500, इसको भी करेंगे 1,14,500, क्लियर है सबको। कुछ भी नया नहीं था, देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही इजी है ये टॉपिक। अब हमारा लास्ट बन रहा है बच्चों, कौन सा अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। मैंने आपको क्या कहा था, इसको बिल्कुल नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह बनाना है, जो भी कुछ रिसीव हो रहा है जॉइंट वेंचर के लिए वो सब डेबिट साइड में, जहाँ भी कुछ पेमेंट हो रहा है जॉइंट वेंचर में वो सब क्रेडिट साइड। तो हम पहले डेबिट साइड बहुत अच्छे से देखते हैं, रिसीविंग कहाँ कहाँ से आई। सबसे पहले रिसीविंग हुई तीनों जो को वेंचरर्स, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया कितना कितना, 60, 80, 80, तो ये पैसा आया आपके पास, है ना। किस फॉर्म में आया था, फंड जनरेट करना था, क्योंकि हम सबको मिलकर काम करना था, ठीक है। तो ये फंड जनरेट हुआ तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आया। और पैसा बच्चों कहाँ से आया, सबसे मेन सोर्स होता है कैश सेल्स, ठीक है। तो कैश सेल की एंट्री कहाँ डाली थी, जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है ना। तो यहाँ पर आए जॉइंट वेंचर अकाउंट कैश सेल 1,30,000, ठीक। अब हम बात करें अपने क्रेडिट सेल की। अब यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं एक बार आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड दिखा देती हूँ। देखिए कैश सेल लिखा था 1,30,000, ये कैश आया था, और क्रेडिट कितना हुआ है, 2,80,000। अब इसमें एक डिस्प्यूट है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा था, अशोक ने बाद में पेमेंट किया है लेकिन बिल्स डिस्काउंटेड, कितना, 6,000। तो एक्चुअली हमको लेना उससे 2,80,000 था, है ना। फिर से बताऊँ, देखिए 2,80,000 लेना है हमको अशोक से क्रेडिट सेल के नाम से, लेकिन बिल्स डिस्काउंटेड है, हमने समय से पहले उस बिल्स को वो कर लिया, हमने पेमेंट लेने की कोशिश करी तो हमें 6,000 कम मिला। तो फाइनली वी आर रिसीविंग 2,74,000 एज अ कैश फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। हमने यहाँ पे 2,80,000 नहीं लिखा है, क्योंकि वास्तव में हमको 2,80,000 मिला कहाँ बेटा, ठीक है। तो पैसा कहाँ कहाँ से आया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ABC, कैश सेल और क्रेडिट सेल में से 6,000 लेस किया, क्योंकि हमने उसको टाइम मेच्योरिटी पीरियड के पहले पैसा इकट्ठा कर लिया था, तो 2,74,000, ठीक है। अब पैसा गया कहाँ का, ठीक है, इन द क्रेडिट साइड। सबसे पहले एक्सपेंसेस पे करे थे 30,000 के, ठीक। और क्या किया था, डी को भी पेमेंट किया होगा, आपने उससे क्रेडिट परचेज किया था, याद है। ये देखिए फर्स्ट एंट्री, डीज अकाउंट क्रेडिट परचेज 2,50,000। तो भाई जब आप लोग अपना अपना पैसा लेके वापस जा रहे हो, अलग अलग अब अपना अपना काम देखोगे ABC, तो पहले सारा फाइनल सेटलमेंट करके जाओगे ना। तो हमने उसको पैसा दिया 2,50,000 की, अपनी उधार क्रेडिट परचेज को सेटल कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो पैसा बचा था, कहाँ का है ये बैलेंस, याद करिए, ये बैलेंस है हमारे को वेंचरर अकाउंट में, जॉइंट बैंक अकाउंट के लिखा था। इन्होंने 60 का क्या किया था, कॉन्ट्रीब्यूट 34,500 से, कहाँ से मिल गया इनको, जॉइंट वेंचर के प्रॉफिट से हिस्सा मिल गया, इसको तो अलग से कमीशन भी मिला, बाकियों को नहीं मिला। तो इनका पैसा इतना इतना ही तो बना था, जो इन्होंने कैसे निकाल लिया, जॉइंट बैंक से निकाल लिया।
तो यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में हमने फिर क्या लिखा है, ए ने इतना ले लिया, बी ने इतना ले लिया, सी ने इतना, कितना पैसा आया, इतना पैसा गया, ये इसका हिसाब है, बात खत्म। अब ए बी सी अलग अलग, क्लियर है। तो आज इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको जॉइंट बैंक, कोवेंचरर और जॉइंट वेंचर तीनों का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, उसका यूटिलिटी बता दी, उसका यूटिलाइजेशन बता दिया। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अब आपको बाकी क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे, और यदि आपको उसमें भी कोई डाउट निकलता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं कि इस ये वाले क्वेश्चन में डाउट है या ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्लियर। बाकी अब आपको लग रहा होगा कि ये जॉइंट वेंचर अकाउंट इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक, ठीक है, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, और यदि आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन यूज़ करें और उसमें अपनी रिक्वेस्ट डालें, एंड प्लीज़ गिव मी द फीडबैक आल्सो ऑफ द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।